हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद तनवीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटोफिल क्या होता है और एक्सेल के अंदर ऑटोफिल कैसे काम करता है। आपके सामने एक एक्सेल की फाइल ओपन हुई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे एक से लेकर के हमने ये पूरा ड्रैग किया हुआ है, ऑटोफिल किया हुआ है। इसके अलावा आप इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। अगर आपको और नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं कि हम माइनस के फॉर्मेट में भी यहाँ पर हमारा ऑटोफिल किया हुआ है। इसके अलावा दशमलव के संख्या में भी हमारा ऑटोफिल किया हुआ है और डेट के फॉर्मेट में भी ऑटोफिल है। आखिर यार ये काम कैसे करता है, तो चलिए हम चलते हैं अपने एक्सेल की एक नई सीट ले लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा एक्सेल की सीट को मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और मैं इसको एक काम करता हूँ कि सभी में बॉर्डर लगा लेता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ बॉर्डर पर चले जाते हैं, बॉर्डर लग गया। मैं काम करता हूँ यहाँ पे वन लिख लेता हूँ और इंटर मार्केट टू टाइप कर लेता हूँ। नीचे आ गए हम लोग, उस पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के ड्रैग करते हैं, जबकि हमें करना क्या, दोनों को सेलेक्ट करना, इस कॉर्नर पर जाएंगे, छोटा सा प्लस बनेगा, तब तक ऐसे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो हमारी हो जाएगा। चलिए है काम करते हैं, इसी प्रकार से फिर से देख लेते हैं, टू टाइप कर लेते हैं और फिर दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कॉर्नर पर और ड्रैग करते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा ये एक्सेल ऑटोफिल हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सेल के अंदर हमें माइनस में जाना है, जैसे जीरो फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर जीरो टाइप कर लेते हैं, फिर अगले टाइप में जाने के बाद माइनस वन टाइप कर लेते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद और फिर यहाँ कॉर्नर पर आएंगे, फिर ऐसे ड्रैग कर देंगे, इस प्रकार से हमारा ये ऑटोफिल हो जाएगा। एक काम और करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि हमको टेबल बनाना है, जैसे टू का टेबल, थ्री का, फोर का, फाइव का, किसी का भी टेबल बनाना है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे टू टाइप कर लेता हूँ और नीचे फोर, और फिर सेलेक्ट कर लेंगे और पकड़ कैसे ड्रैग करते हुए चले जाएंगे और मेरा टेबल बन जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक काम किया कि जनवरी, पूरा जनवरी लिख दिया, अब यहाँ फिर कॉर्नर पर हम ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। देखिए मेरा ये अभी ऑटो फिल हो गया है। या आप इसका तीन शब्द भी यूज कर सकते हैं, जैसे जे ए, इसका फिर इसको से पकड़ के ड्रैग कर लेंगे, यह भी ऑटो फिल हो जाएगा। या अगर जैसे मान लीजिए वीक के नाम को भी, जो सप्ताह के नाम होते हैं, संडे मंडे, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरा लिख लीजिए। चलिए मैं तीन शब्द का पहले यूज करता हूँ। अब आप पकड़ के देखिए इसे ड्रैग करते हुए चले जाइए, पूरा आ रहा है, ऑटो फिल हो गया है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर पूरा संडे लिख लीजिए और उसका तब पकड़ कर ड्रैग करिए, देखिए हमारा ड्रैग हो रहा है। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको डेट का ऑटो फिल करना है, बहुत लोगों को ये समस्या होती है। इसके और ध्यान रखिए, आपके सिस्टम में जो भी टाइम और डेट शो कर रहा है उसके हिसाब से आप डेट को एंटर करें। जैसे मान लीजिए जो भी आज की डेट है या कोई भी डेट मैं ले लेता हूँ और पकड़ के मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये ऑटो फिल हमारा हो गया। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे।